अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं उस्मान गनी भट्टी बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी बारिश हुई थोड़ी देर पहले और बारिश के बाद बहुत ही प्यारा मौसम था, तो हम निकले हैं इधर प्रिसेंट 7 में आए हैं। और प्रिसेंट 7 का अभी क्या इसका डेवलपमेंट स्टेटस है, कंस्ट्रक्शन का काम कितने विलाज हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके अलावा इसके रेट्स क्या चल रहे हैं, तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अच्छे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसे देखना चाहिए। तो अभी हम प्रिसेंट 7 में मौजूद हैं, तो अभी बारिश के बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी बारिश हुई है, और बल्कि कल रात सारी रात ही बारिश हुई है, और लेकिन उसके बाद भी ना बहरिया का जो ड्रेन सिस्टम है बहुत ही ज़बरदस्त है, कहीं भी आपको बारिश का पानी जमा नज़र नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपके मामूलाते ज़िंदगी के जो काम है उसमें डिस्टर्ब हों। तो अभी प्रिसेंट 7 में मौजूद हैं लूप रोड पर, तो मेन गेट से तकरीबन 6 से 7 मिनट की ड्राइव पर ये प्रिसेंट मौजूद है, और 1000 गज़ के यहाँ प्लाट्स दिए हैं बहरिया ने, और यहाँ कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो चुकी है। मैं समझता हूँ 1000 गज़ के जितने भी प्रिसेंट हैं बहरिया में, प्रिसेंट 7 बहुत ही ज़बरदस्त प्रिसेंट है उनमें से, और ख़ास रेजिडेंशियल के लिए जो अपना घर बना कर यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो 1000 गज़ के किसी प्रिसेंट में घर बने हैं, विलास बने हैं, तो वो प्रिसेंट 7 है। इसकी सराउंडिंग बहुत प्यारी है, इसकी सराउंडिंग में प्रिसेंट ये 6 है, और फिर इसी तरह प्रिसेंट 8 है, बैरिया हाइट्स है, बैरिया हाइट्स का भी पोजेशन मिल चुका है टावर ए और एच का, वहाँ भी फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, और इसकी सराउंडिंग में प्रिसेंट 10A और 11A के विलाज हैं। 10A में शॉपिंग गैलरी भी मौजूद है, और उसके अलावा जामिया मस्जिद भी, वहाँ भी 5 वक्त की नमाज होती है, नमाज जुमा अदा होती है। और यहाँ आपको मैं ये दिखा दूँ कि मेरी लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें रोड 1 है, और इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, यानी कि विलाज हैं जो उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हैं। और इसी तरह अगर हम इसके रेट्स की बात करें तो तकरीबन हमें यहाँ 2.90 करोड़ से लेकर 3.30 करोड़ तक हमें लोकेशन वाइज यहाँ प्लॉट मिल जाएगा। और ये प्रिसेंट मैं समझता हूँ प्योर रेजिडेंशियल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, और यहाँ अगर आप घर बना के रहना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं। और जो मौजूदा मार्केट है, पिछले 2 माह से रेट्स में कमी हमें देखने को मिली है, और ये मैं समझता हूँ कि ना बहुत ही अच्छा टाइम है बाइंग का, कि हमें यहाँ बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि रेट बड़े रीज़नेबल मिल रहे हैं। आज से 3 माह पीछे चले जाएँ तो उससे और उस वक्त की मार्केट और आज की मार्केट में प्रिसेंट 7 का तकरीबन 20 से 30 लाख का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। अगर इतना डिफरेंस हमें मिले और फिर हमें अगर हम यहाँ शिफ्ट भी होना चाहें, और बहरिया टाउन की जो लग्जरी लाइफस्टाइल है, जहाँ से हमें हर किस्म की यहाँ सहूलियत भी मिलती हैं, और आलमी मियार के यहाँ हमें हर तर्ज की सहूलियत मिलती हैं, यहाँ स्कूल्स हैं, यहाँ फिर खेलों के मैदान हैं हर प्रिसेंट में, और हमें इंटरटेनमेंट के काफ़ी प्लेसेस हैं यहाँ, एफल टावर है, फिर फ्लैग पोल है, इसी तरह कार्निवल है, फिर इसी तरह डांसिंग फाउंटेन है, और इस तरह, और फिर डे एंड नाइट सफारी पार्क है डेंजो, तो बहुत सारी यानी कि आलमी मियार की लग्जरी लाइफस्टाइल यहां आप गुजार सकते हैं। तो आप अगर आप बहरिया टाउन में 1000 गज़ का प्लाट परचेज करना चाहते हैं और बना के वहां यहां शिफ्ट होना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन जो प्रिसेंट है इस वक्त प्योर रेजिडेंशियल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मैं कह रहा, सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए अगर आप रहना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रिसेंट है। तो अभी हम मौजूद हैं ये स्ट्रीट 1 है, तो ये आप सामने 1000 गज़ का विला देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत बनाया गया है और तकरीबन रेडी हो चुका है।
तो रेडी हो चुका है, तो जल्दी यहाँ फैमिली भी शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह का 1000 गज का आप विला यहाँ कंस्ट्रक्शन यहाँ कर सकते हैं। तो मैं आबद भाई से कहूँगा कि आपको विला ज़रा दिखा दे। आबद भाई कैमरा ज़रा फोकस कीजिएगा विला पे। मज़ीद आपको पिसन 7 या फिर ओवरऑल बहरिया के हवाले से कोई भी मालूम चाहिए हो तो आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पर रबता कर सकते हैं, और देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।